जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड के रेशियो को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 36 नंबर तक सवाल हो चुका है। आज हम लोग 37 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल ये रहा। हमारा 37 नंबर सवाल ये है, किसी मिश्रण में स्प्रीट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्प्रीट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्प्रीट की मात्रा कितनी है। सिंपल सी बातें हैं, एक मिश्रण में स्प्रीट और पानी का अनुपात दे रखा है। हमारे 37 नंबर सवाल में स्प्रीट और पानी का अनुपात दे रखा है 3:2। हम ये कह सकते हैं उस मिश्रण में स्प्रीट है 3 और पानी है 2। अब हमारे सवाल में ये कहा है कि इस मिश्रण में स्प्रीट है ना, ये स्प्रीट पानी से 3 लीटर ज्यादा है। हम कह रहे हैं हमारे अनुपात से स्प्रीट कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, और हमारे सवाल से 3 लीटर ज्यादा है, तो हम कहेंगे यहां से 1 और सवाल से 3, तो 1 बराबर हो गया 3 के। अब उसके बाद हमसे सवाल में ये पूछा है कि इस मिश्रण में स्प्रीट की मात्रा कितनी, 1 बराबर 3 के, तो स्प्रीट की मात्रा है 3, तो 3 किसके बराबर, 3 या 9 लीटर के बराबर हो जाएगा स्प्रीट इसमें। चलिए, एकदम आसान सा सवाल था। हम लोग 38 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, 3 संख्याओं का योगफल 116 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9:16 है, तथा पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। सिंपल सी बात है, 3 संख्याओं को जोड़कर 116 है। इसको अगर हम लिखते जाए सवाल को, कोई 3 संख्या है जिसको तीनों को मिलाकर 116 आता है, जिसमें से ये कहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद दे रखा है पहली और तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। तो हमसे सवाल में यह पूछा है कि दूसरी संख्या क्या। अब इस सवाल में समझना है, टोटल 116 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16, पहला और तीसरा का अनुपात 1:4, तो हमसे दूसरे का हिस्सा पूछा गया है। अब हम ये कह रहे हैं यहां पर 2 और 3 है, यहां पर 1 और 3 है, इस दोनों में 3 और 3, इस दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। अगर हम यहां आते हैं तो 3 का वैल्यू 4 है, और यहां आते हैं तो 3 का वैल्यू, सॉरी यहां आते हैं तो 3 का वैल्यू 16 है, और इसमें 3 का वैल्यू 4 है। भाई जब दोनों जगह 3 है तो ये संख्या भी तो सेम होना चाहिए। एक काम करते हैं, संख्या को सेम कर देते हैं, ये 16 है, इसको 16 बना देते हैं 4 से गुना करके। 4 से गुना करने का मतलब है इस 1 में भी 4 से गुना होगा, साथ ही साथ 4 चौके हो गया 16। अब हम लोग क्या कहेंगे, दूसरी संख्या हो गया 9, इस तरीके से दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या 16, यहां से भी 16, और पहली संख्या कितनी है, तो 4 है, सब मिलाकर 116। यहां से आके देखे पहली सॉरी एक संख्या है 9, 9 16 और 9 हो गया 25, और एक संख्या है 4, 25 4 हो गया 29, कुल मिलाकर हो गया 29, और हमारे सवाल से कुल मिलाकर है 116। तो 29 बराबर 116 के, इसको अगर कैंसिल करें तो 1 किसके बराबर होगा, तो 1 हो गया 4 के बराबर। हमसे पूछा है दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या है कितनी, तो दूसरी संख्या 9, 1 बराबर 4 के, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा 36 के बराबर। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 10:7 है और इनका अंतर 105 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। सीधा सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल। 2 संख्या है जिसका अनुपात दे रखा है 10:7, 2 संख्या इसका अनुपात है 10:7, दोनों संख्याओं का अंतर 105 है। अंतर, ये जो 105 दे रखा है ना, अंतर है, अंतर का मतलब माइनस। हम कहेंगे यहां से अंतर कितने का है, तो कहेंगे यहां से अंतर है 3 का, और हमारे सवाल से 105 का, तो इस कंडीशन में 3 बराबर हो जाएगा किसके, तो 105 के। इसको अगर कैंसिल करें तो हो जाएगा कितने बार में, ये 35 बार में कट गया, तो 1 किसके बराबर, तो 1 बराबर हो गया 35 के। तो अब से इस सवाल में पूछा है उस दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। 1 बराबर 35 के, तो योग कितना है, 10 और 7 17, तो हम लोग क्या करते हैं 17 बराबर निकाल लेते हैं। तो 35 गुना 17, 17 5 85 का 5, बाकी हो गया 8, 17 गुना 3 51, 51 8 हो गया 59, तो संख्याओं का योग है 595। चलिए नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, कोई धन
सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपए है तो कुल धन कितना है? सिंपल सा बात है, सवाल में सलीम और रहीम का अनुपात 4:3 दे रखा है। सवाल में आए तो सलीम और रहीम का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सवाल में क्या दे रखा है कि रहीम का हिस्सा 2400 है। हम कह रहे हैं कि रहीम का हिस्सा अनुपात से है 3 और सवाल से है 2400, तो 3 बराबर हो गया 2400, 1 किसके बराबर हो जाएगा तो ये कट जाएगा 800 बार में, 1 बराबर हो गया 800 के। तब इसमें पूछा क्या गया, तो सवाल में पूछा गया है कि कुल धन कितना है। कुल धन 4 और 3 7, कुल धन कितना हो जाएगा 7 बराबर 8 गुना 7 8 56, 5600 रुपए हो गया कुल धन। एकदम आसानी से सवाल सॉल्व। चलिए हम लोग 41 नंबर सवाल में आते हैं। 41 नंबर सवाल है, एक 2 अंकों की संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात 7:1 है, यदि इकाई का अंक दहाई अंक से 1 कम हो तो संख्या क्या है। जब भी ये ऐसा सवाल मिले 2 अंकीय संख्या वाला, ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। अब ऑप्शन से क्या करना है, जैसे हमारा पहला ऑप्शन है 21, अगर सवाल को सॉल्व करें 41 नंबर को, पहला ऑप्शन है 21। अब सवाल को आते, सवाल में ये कहा है 2 अंकीय संख्या है, तो 21 2 अंकीय संख्या है। ये कहा है कि ये दो अंकीय संख्या और इनके अंकों का योग कितना, 2 और 1 हो गया 3, इसका अनुपात कितना है, तो 7:1 है। देखते हैं क्या 7:1 आता है, अगर हम इसको कैंसिल करें तो हाँ 7:1 तो आ रहा है। आगे एक और कंडीशन दे रखा है, कंडीशन ये है कि दहाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो दहाई से 1 कम है। इकाई का जो अंक है, ये वाला इकाई का अंक, इस दहाई से 1 कम है। इस कंडीशन को भी फॉलो कर लिया, अनुपात देखे 7:1 भी पूरा गया और इकाई का जो अंक है दहाई से 1 कम भी है, दोनों कंडीशन को पूरा कर लिया, तो हम सीधे आंसर को क्या करेंगे, 21 हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर में आते हैं। सवाल है 76 को 7:5 5:3 4 के अनुपात में विभक्त किया गया, करने पर सबसे छोटा भाग क्या हुआ। सिंपल सी बात है, 76 को 4 भाग में बांट दिया, किसमें, तो 7 5 3 4 में, 7:5 5:4:3 में इसको बांट दिया गया। 3:4 में बांट दिया गया, 3:4 में बांट दिया गया। इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, सिंपल सा सवाल है छोटा सा, अगर हम यहां लिख ले, अनुपात है 7:5 5:3:4। इसका मतलब ये है जो पहला हिस्सा है 7, दूसरा हिस्सा 5, तीसरा हिस्सा 3 और चौथा हिस्सा 4 है, सब मिलाकर बोला गया 76 रुपए। हम यहां से देखते हैं सब मिलाकर कितना है, 7 5 12 12 3 हो गया, 15 15 4 हो गया 19। हमारे अनुपात के हिसाब से टोटल है 19 और सवाल के हिसाब से टोटल है 76, इसका मतलब 19 बराबर 76 से इसको अगर काट ले तो 1 किसके बराबर 1 बराबर 4 के। तो हमसे पूछा छोटी संख्या क्या होगा, इन सब में से छोटी कौन सा है, 3, 1 बराबर 4 के, तो 3 किसके बराबर 4 गुना 3 12 के बराबर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में आते हैं। अब हमारा सवाल है 624 रुपए को 3 मित्रों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया, तीसरे मित्र का भाग क्या हुआ। सिंपल सा सवाल है, टोटल 624 रुपए को 3 हिस्सा में बांटना है। सवाल नंबर है 43, जिसमें 624 रुपए को 3 हिस्सों में बांटना है। कैसे बांटना है, तो हिस्सों का अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। सबसे पहले क्या करते हैं, इस अनुपात को सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का तरीका क्या है, तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं और तीनों में गुना कर देते हैं, 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 इसमें भी गुना, अगर इसमें 12 से गुना करते हैं 2 से कट जाएगा 6 बार में, इसमें अगर 12 से गुना कर लेते हैं तो 3 से 12 कट गया 4 बार में, अगर इसमें 12 से गुना कर ले तो ये कट जाएगा 3 बार में। अनुपात क्या मिला, 6:4:3। अब टोटल था 624 दिया हुआ, तो यहां से भी देख लेते हैं टोटल कितना हो गया। तो 6 4 10 10 3 13, अनुपात से टोटल हो गया 13 और हमारे सवाल से टोटल है 624, 13 बराबर 624 को अगर इसको काटे 13 4 52 और बच गया 10 104, 13 8 104, 1 बराबर किसके हो गया, तो 1 बराबर है 4 का। तो हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि तीसरे मित्र का हिस्सा क्या होगा, तीसरे मित्र का हिस्सा है 3,
तो एक बराबर 48 के, तो तीन किसके बराबर, 48 गुना तीन कर लेते हैं, 24 का चार बाकी दो, चार 12 और दो हो गया 144 रुपए तीसरे मित्र का हिस्सा। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर में आते हैं। सवाल है 0.2 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। आसान सा सवाल है, जब भी हमसे चतुर्थ अनुपात पूछा जाए उसमें तीन संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें से पहला संख्या 0.2, इसका अनुपात दूसरे वाले नंबर से हो जाएगा 0.12 से, और ये बराबर समानुपात हो जाएगा किसके, तो 0.3 के, और चौथा हमसे पूछा गया मान लेते हैं x। अब इस कंडीशन में हमारा सबसे पहला ही सवाल इसी टाइप का था पहले वाले वीडियो में, इसमें क्या करते हैं इस दोनों को एक साथ गुना करते हैं और बाहर वाले को एक साथ गुना करते हैं। तो अगर हम 0.2 को x से गुना करें तो 0.2x, और इस दोनों को एक साथ गुना कर लेते हैं 0.12 गुना 0.3। अगर हम इसको कैंसिल करें, एक दशमलव तो दोनों का खत्म हो गया, इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, दो से इसको अगर काट लें, दो से काट लेते हैं तो कट गया 6 बार में। अब क्या करते हैं, 6 इधर सिर्फ x बचा है, 6 गुना 3 18, 18 बटे है 100, 18 बटे 100 का मतलब ये है 18 नीचे 100 होने के कारण दो अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, दो अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, चतुर्थ अनुपात क्या आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है एक दुकान में पेंसिल पेन तथा कॉपी 10:2:3 के अनुपात में है, यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी। सिंपल सी बात है कि दुकान में पेंसिल पेन और कॉपी का अनुपात 10:2:3 दे रखा है। अगर इस सवाल में आए तो 10:2:3 दे रखा है, ये किस चीज का अनुपात है, तो हमारे सवाल में अनुपात है ये पेंसिल पेन और कॉपी का, ये है पेंसिल और ये है पेन और ये है कॉपी का अनुपात है। उसके बाद हमारे सवाल में ये दे रखा है कि यदि दुकान में 120 पेंसिल हो, भाई हमारे अनुसार अनुपात के अनुसार 10 पेंसिल है, सवाल के अनुसार 120 पेंसिल है, इसका मतलब 10 = 120 के, तो एक किसके बराबर हो गया, एक बराबर हो गया 12 के। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो कॉपियों की कुल संख्या कितनी है, तो 1 = 12 के कॉपी की संख्या है 3, जब 1 = 12 के तो 3 किसके बराबर होगा, 12 × 3 = 36 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर में आते हैं। सवाल है 44 ये हमारा 45 नंबर सवाल था। 46 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं। सवाल 46 नंबर है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है, यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। सिंपल सा सवाल है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 दे रखा है, लड़की और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। उसके बाद ये कहा कि क्लास में कॉलेज में 160 लड़कियां हैं, हमारे अनुपात के अनुसार 5 लड़कियां हैं और सवाल के अनुसार 160 लड़कियां, 5 बराबर हो गए 160 के, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से ये 3 बार में और ये 32 बार में, 1 बराबर किसके, तो 32 के। हमसे सवाल में पूछा है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 8 और 5 कितने होंगे, 13, तो 1 = 32 के, तो 13 किसके बराबर, 13 × 32 कर लेते हैं, 13 × 26 का 6 बाकी 2, 13 × 3 = 39, 39 और 2 = 41, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 416 विद्यार्थी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है कि किसी 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी। सिंपल सी बात है, 729 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:1, तो इस सवाल को अच्छे से समझना है। सवाल क्या है, सवाल है कि टोटल 729 लीटर मिश्रण है जिसमें 7:2 में दूध और पानी का अनुपात है। अब ये कहा है कि इसमें कितना पानी मिला दें, इस वाले मिश्रण में 7:2 में कितना पानी मिला दें ताकि हमारा अनुपात क्या हो जाए, तो अनुपात हो जाए 7:3। क्लियर है सवाल, पहले 7:2 था, अब कितना पानी मिलाया जाए कि 7:3 हो जाए,
हम पानी मिला रहे हैं, दूध तो नहीं मिलाया गया, इसका मतलब ये है पहले जितना दूध होगा अभी भी उतना ही दूध होना चाहिए। हम ये दे रहे हैं दूध, इसमें सात है, इसमें कितना है तो सात है। मतलब क्या है, पहले पानी दो था और कितना हो गया तीन, इसका मतलब पानी मिलाया कितना गया है, पानी एक मिलाया गया। अब आते हैं हमारे पास टोटल मिश्रण पहले कितना था तो 729 था, और हमारे अनुपात के अनुसार टोटल मिश्रण कितना था तो 7 और 2 9 था। अनुपात के अनुसार टोटल मिश्रण 9 और सवाल के अनुसार 729, 9 बराबर 729 के तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, इसे अगर काट ले तो 1 बराबर 81 के, 1 बराबर 81। अब हमसे क्या पूछा कितना लीटर मिश्रण मिला गया, तो हम कहें कितना मिलाया गया, एक मिलाया गया, एक कितना है तो 1 बराबर 81 के, इसका मतलब कितना पानी मिलाया गया तो 81 लीटर पानी उसमें मिलाया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में आते हैं, सेम इसी तरीके का सवाल है। सवाल है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है, दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 के लिए मिश्रण में कितना पानी की मात्रा मिलानी होगी। सेम वैसा ही सवाल है, अगर हम इसको बनाएं 48 नंबर सवाल को, तो ये कहा है कि टोटल 40 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो दूध और पानी का अनुपात है 7:1। अब कह रहा है इसमें कितना पानी मिला है, पानी मिलाने की बात क्या है, इसमें कितना 7:1, हाँ ठीक है 7:1 है, इसमें कितना पानी मिला दे कि अनुपात 3:1 हो जाए। अब हम ये कहेंगे भाई साहब इसमें मिलाया गया पानी, तो पानी की मात्रा तो बराबर नहीं होनी चाहिए, पानी मिलाया गया इसका मतलब क्या, दूध, दूध तो नहीं मिलाया गया, पहले जितना दूध था अभी भी उतना ही दूध रहेगा, लेकिन देखते हैं दूध यहाँ 7 है यहाँ 3 है, तो हमें क्या करना होगा इस दूध की मात्रा को समान करना होगा। अब कैसे समान करें, ये 7 है ये 3 है, एक काम करते हैं 3 को ऊपर गुना करते हैं 7 को नीचे गुना कर देते हैं, दोनों 21 बन जाएगा, तो इसमें गुना कर देते हैं 3 से। रूल्स ये कहता है अगर इधर 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब इसमें ऊपर वाला इसमें नीचे 7 से गुना कर देते हैं, अगर इसमें 7 से गुना किए तो यहां भी गुना करना पड़ेगा 7 से। अब नया अनुपात देख लेते हैं क्या आएगा, तो 7 × 3 = 21 अनुपात 3, और ये हो गया 21 अनुपात 7 × 7। अब नया अनुपात क्या है तो ये निकल कर आ गया, आंसर भी इसी से निकालना है, ऊपर वाले से आंसर नहीं, सारा काम अब इसी से होगा। अब ये कहते हैं टोटल मिश्रण था पहले 40 लीटर, हम कह रहे हैं यहां से टोटल कितना मिश्रण है तो 21 3 है, पहले था यहां से 21 और सवाल से पहले था 40, 21 और 3 24 बराबर हो गया 40 के। अब हमसे पूछा कितना पानी मिलाया गया, पहले पानी था 3 अब हो गया 7, तो पानी कितना मिलाया गया, पानी मिलाया गया 4, 24 बराबर 40 के, तो 4 बराबर हम लोग निकाल लेते हैं क्या आएगा, तो 8 से इसको 3 बार में काट लेते हैं, 8 से कट गया 5 बार में, अब तो कटेगा नहीं, कोना कोना गुना करते हैं 5 × 4 = 20 और नीचे क्या आ जाएगा, इधर 3 बचा हुआ तो नीचे आ गया 3, तो क्या कहेंगे 6.2/3 लीटर इसमें पानी मिलाया जाएगा। वैसा ही सवाल ये था। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर सवाल में आते हैं, सवाल है 40 लीटर दूध व 3 लीटर पानी के मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उसका अनुपात 10:2 हो जाए। कई तरीके से इसको बना सकते हैं, सिंपल सा सवाल ये कह रहा है 40 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, 40 दूध इसको अगर बनाए 40 लीटर दूध है और 3 लीटर है पानी, अब कहा इसमें कितना और पानी मिला दें, 40/3 है, इसमें मान लेते हैं कि x लीटर पानी मिला दिया, अब जैसे ही पानी मिलाएंगे अनुपात बदल जाएगा, बोला अनुपात बदल कर कितना हो गया तो अनुपात बदल कर 10:2 हो गया, इसको लिख सकते हैं 10/2 हो गया, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ये कट जाएगा 0 0, 4 × 2 हो गया 8, तो यहाँ क्या बचा 3 + x = 4 × 2 = 8 + 3 हो जाके -3 हो जाएगा, x बराबर क्या मिल जाएगा 8 में से 3 निकल गया, 5 लीटर पानी मिलाया जाएगा। और भी तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये इस मेथड से भी आसानी पड़ा तो ऐसे ही हम लोग बना लिए। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर सवाल में आते हैं, सवाल है 50 नंबर 1.02 रुपए प्रति केजी तथा 1.44 रुपए प्रति केजी की दर से चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 1.26 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जा सके। सवाल सिंपल सा है, दो प्रकार का चावल है, एक का दाम है 1.02, एक दूसरे प्रकार का चावल है जिसका दाम है 1.44,
जब जैसे ही दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद नया दाम क्या बन गया, तो मिलाने के बाद नया दाम है 1.26। अब जैसे ही मिलाने के बाद जो नया दाम बनेगा उसको रख देंगे बीच में। अब लगा देंगे यहां से एलिगेशन। अब एलिगेशन में क्या होता है, इस दोनों को माइनस करेंगे यहां लिखेंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे यहां लिख देंगे। अब इस दोनों को माइनस करते हैं 1.26 में 1.02 निकल जाएगा तो बचेगा 0.24। अब इस दोनों को माइनस करते हैं यहां लिख देते हैं 14 में से 6 चला गया 8 और 3 में से 2 चला गया 1, 0.18। अब अनुपात निकालते हैं, दोनों में दो दो अंक के बाद पॉइंट है, दोनों का पॉइंट हो गया खत्म। 6 से ये 3 बार में, 6 से ये 4 बार में, तो अनुपात क्या निकल कर आ गया 3:4 में उसको मिलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल हमारा है किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं, उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात 13:11 है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। सिंपल सी बात है, 1 रुपए और 50 पैसे वाले सिक्के हैं। अगर हम इसको देखें तो 1 रुपए वाले और 50 पैसे वाले सिक्के, इनके मानों का अनुपात, मानों का अनुपात का मतलब होता है उसके रुपए का अनुपात दे रखा है। मान का अनुपात कितना दे रखा है, तो इनके मान का अनुपात है 13:11। और सवाल में एक और डाटा ये दे रखा है कि उसके पास कुल मिलाकर 210 सिक्के, यहां लिख लेते हैं इसके पास सब मिलाकर 210 सिक्के हैं, तो इससे पूछा यह गया है कि 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं। अब ध्यान से समझना है सवाल को अच्छे से 1 रुपए 50 पैसे वाले सिक्के हैं, इनके मान का अनुपात, मान का मतलब होता है, मान के अनुपात का मतलब होता है इसके रुपए का अनुपात दिया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 1 रुपए का मतलब ये 13 रुपए है और ये 11 रुपए है। अगर 13 रुपए है, अब हम क्या करते हैं, रुपए के बाद रुपए का अनुपात दिया रहे उसको संख्या में बदल लेंगे। रुपए का अनुपात दिया रहेगा तो संख्या में बदलेंगे, अगर संख्या का अनुपात दिया रहेगा तो रुपए में बदलेंगे। इस टाइप के सवाल में याद रखना है, 13 रुपए है तो 1 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे, 13 रुपए है तो 1 रुपए वाले टोटल 13 सिक्के होंगे। 11 रुपए है तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो 11 रुपए में 11 × 22 सिक्के हो जाएंगे। इसका मतलब क्या पता चल गया, 1 रुपए वाले 13 सिक्के हैं और 50 पैसे वाले 22 सिक्के हैं। सब मिलाकर अगर देखें तो सब मिलाकर पता चल गया कितना, टोटल 35 सिक्के हैं और हमारे सवाल से सब मिलाकर 210 सिक्के हैं। इसका मतलब 35 बराबर हो गया 210 के। तो हमसे सवाल ने पूछा 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 1 रुपए वाले कितने, 13। इसलिए हमसे 13 बराबर वॉट पूछा गया। हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से ये 5 बार में कट जाएगा, 7 से कट गया 30 बार में, 5 से कट गया 6 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं, 13 × 6 क्या हो जाएगा, तो 78 सिक्के उसके पास। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।